हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बार रिवीजन कराने वाली हूँ। आज जो सिलेबस मैंने आप लोगों को बताया था, तो मुझे था कि क्या पता बच्चों को थोड़ा कहीं कंफ्यूजन ना हो रहा हो कि मैं क्या आपका कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ, या आगे कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगी, या पीछे कौन से टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ। तो इससे मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन करा दे रही हूँ। तो रिवीजन में मैं बस आप लोगों को ये बताऊंगी कि आपका पेपर जो फर्स्ट है हमारा सोशियोलॉजी का, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, तो उसमें कितनी यूनिट्स आने वाली हैं, क्या क्या उनकी डिटेल्स है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोग एक बार ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे कि पेपर फर्स्ट में आपके कितनी यूनिट्स आएंगी और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पेपर फर्स्ट है सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, तो सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि जो हमारी यूनिट फर्स्ट है वो है हमारी सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी में उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, आपको उसका नेचर पता होना चाहिए, उसका स्कोप क्या है। ये सारी चीजें मैंने अपने पिछले वीडियोस में, मैं आप लोगों को अपने सोशियोलॉजी के वीडियोस में ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में स्टडी मैंने आप लोगों को करा दी है। मैंने आप लोगों को सोशियोलॉजी का समाजशास्त्र का क्या अर्थ होता है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, क्या समाजशास्त्र जितने भी समाजशास्त्री थी उन्होंने क्या क्या डेफिनेशंस दे रखी है समाजशास्त्र के विषय में, या उन्होंने अपना क्या योगदान दे रखा है समाजशास्त्र के बारे में, तो वो सारी डिटेल्स में मैं आप लोगों को अपने पिछले वीडियोज में समाजशास्त्र रिलेटेड सारी बातें बता चुकी हूँ। तो यूनिट फर्स्ट जो है हमारी सोशियोलॉजी की है, उसमें नॉर्मल आप लोग के टॉपिक्स आएंगे सोशियोलॉजी से रिलेटेड। सोशियोलॉजी का मीनिंग हो गया, उसका नेचर हो गया, उसका स्कोप हो गया, और जो भी डेफिनेशन है जितने भी समाजशास्त्री उन्होंने जो जो डेफिनेशन दी है इससे रिलेटेड, सोशियोलॉजी से रिलेटेड, तो वो सारी डेफिनेशन आप लोग की आ सकती है एग्जाम में। अब नेक्स्ट सेकेंड यूनिट जो है, जो हमारी इस समय सेकेंड यूनिट हमारी चल रही है, वो है हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट कि आखिर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सोशियोलॉजी का। तो उसमें जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक है आपका सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना की डिटेल में मैंने आप लोगों को स्टडी करा दी, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, इसके जो भी पार्ट्स हैं, जो भी इसकी विशेषताएं हैं, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से स्टडी कराई। आप मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, उसमें से कुछ वीडियोस तो मेरे ऑडियो हैं और कुछ वीडियोस में मैंने आप लोगों को बना करके सारी चीजों के बारे में डिटेल में स्टडी करा रखी है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। संगठन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, इसके पार्ट्स जो होते हैं इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आप लोगों को इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी करा रखी है अपने वीडियोस में। तो आप लोग मेरे पहले के वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं कि आखिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक कराया है। अगर बाई चांस किसी भी ये जो यूनिट्स मैं आप लोगों को करा रही हूँ उससे रिलेटेड अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक मुझसे ही छूट गया है, मेरी भी गलती हो सकती है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप लोग जो भी क्वेश्चन है आप लोग मुझसे कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि अगर आप लोगों को कोई टॉपिक इसमें से नहीं समझ में आया है, या मैं टीचर हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई गलती नहीं कर सकती हूँ, हो सकता है मुझसे भी किसी डेफिनेशन को लिखने में, किसी राइटर को उनके नाम में लिखने में कोई मिस्टेक हो गई हो, तो आप लोग प्लीज उसको अपनी तरफ से सुधार दीजिएगा, और उन मिस्टेक्स के लिए मैं पहले से आप लोग से माफी मांग लेती हूँ कि आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर बाई चांस मुझसे कोई गलती हुई है तो आप लोग प्लीज वो गलती मत दोहराइएगा, और कोई डेफिनेशन में या कोई स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप लोग उसको सही कर दीजिएगा। तो सेकेंड टॉपिक था हमारा ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक में जो आज स्टार्ट करने वाली थी वो है हमारा एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन माने संगति, संघ, ठीक है ना, तो एसोसिएशन वो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल कम्युनिटी, उसके बाद है हमारा ग्रुप या क्लास यानी वर्ग हो गया हमारा, ठीक है, और समूह हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, वैश्वीकरण। तो ये सारे टॉपिक जो है ये आपके सेकेंड यूनिट में आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो हमारा जो अब आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे, जो हमारा प्रेजेंट टॉपिक चल रहा है, वो है हमारा एसोसिएशन का। तो आज मैं आप लोगों को एसोसिएशन के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब ये तो हो गई दोनों
यूनिट्स की बात। आगे अब नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट आपकी आएगी, जो इसकी सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की जो हमारी थर्ड यूनिट है पेपर फर्स्ट की, थर्ड यूनिट जो है वो आपकी आएगी सोशल इंस्टीट्यूशन। मैंने इसमें लिखा नहीं है, मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके जब उन यूनिट्स में पहुंचूंगी तो उनके बारे में आप लोगों को डिटेल में बता दूंगी। तो इस समय हमारा सेकेंड यूनिट चल रही है, तो सेकेंड यूनिट के मैंने आप लोगों को सारे टॉपिक्स बता दिए हैं कि ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में है और ये टॉपिक्स ही आपके सिलेबस में रिलेटेड इनसे क्वेश्चंस जो है वो आप लोग के आएंगे। तो मैं आप लोगों को थर्ड यूनिट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि थर्ड यूनिट जो है इसमें आपकी टोटल 5 यूनिट आनी है सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वाले में। आपके टोटल फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट आएगी, तो ये 2 यूनिट्स मैंने आप लोगों को बता दी है। अब थर्ड यूनिट है आपकी सोशल इंस्टीट्यूशन। तो सोशल इंस्टीट्यूशन में आपके आगे आपके जो टॉपिक्स आते हैं वो आपकी फैमिली आ गई, मैरिज आ गई, किनशिप आ गई, आपकी कास्ट आ गई, आपकी रिलीजन आ गया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर फोर जो आपकी यूनिट है, फोर यूनिट में आपका क्या है, आपका फोर यूनिट है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में हम मार्केट की बात करेंगे, हम कैपिटल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करेंगे। तो ये 3-4 टॉपिक जो है ये आपके फोर्थ यूनिट में आते हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। अब फिफ्थ जो आपकी लास्ट यूनिट है, फर्स्ट पेपर में आपके टोटल 5 यूनिट्स आएंगे, तो फिफ्थ जो आपकी लास्ट यूनिट है वो है आपकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ेंगे पावर के बारे में, अथॉरिटीज के बारे में और लीडरशिप के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में हम आपकी फिफ्थ यूनिट में, जो आपकी फिफ्थ यूनिट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर जो सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड सारी यूनिट्स आपकी जो है वो एग्जाम में आएंगी। तो 2 यूनिट्स के टॉपिक्स मैंने आप लोगों को आज के वीडियो में दिखा दिए हैं और लिख करके भी बोर्ड पे बता दिए हैं कि ये टॉपिक्स आपके जो है वो फर्स्ट पेपर में आएंगे। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो प्रॉब्लम्स भी पूछ सकते हैं। ये टॉपिक्स आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और मेरे बताए गए डेफिनेशंस जो भी चीज है आप वो धीरे धीरे करके आप लोग अपने नोट्स जो है वो तैयार करते रहिए। तो आज का मेरा वीडियो बस इतना ही। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एसोसिएशन के बारे में बताऊंगी कि एसोसिएशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन वगैरह बताऊंगी। तो आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को